तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास आ चुकी है 2022 की लेटेस्ट मॉडल R15 वर्जन 4 का रेसिंग ब्लू कलर, जो कि भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो बाइक देखने को मिलते हैं ना, आपको मैट और ग्लॉस फिनिश मिलते हैं, जो कि भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बाइक के बारे में आपको बताने वाले हैं कि 2022 के R15 वर्जन 4 में आपको रेसिंग ब्लू कलर में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, क्या इसकी प्राइस देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, गौर करिएगा, हम आपको इसके एक्सम प्राइस के साथ इसकी ऑन रोड प्राइस बताने वाले हैं कि इस समय इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है ना, आपको कितनी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, आप लोग बताना कि ये जो ग्लॉस फिनिश के साथ ये जो R15 वर्जन 4 का रेसिंग ब्लू कलर आती है, आप लोगों को कैसी लगती है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पर आप नए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आप आगे की वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो गौर करेंगे इसकी जो एक्सम प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 184,400 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और अगर हम बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 221,036 रुपए ऑन रोड प्राइस यूपी वाराणसी की प्राइस। तो दोस्तों, लगभग आप मान के चले 221,000 से 224,000 के बीच में आपको ये बाइक आपको कम्प्लीट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको प्राइस बताया, ये मैंने आपको नवंबर 2022 की प्राइस बताई है। हो सकता है कि जब आप बाइक लेने जाए तो इसकी जो प्राइस है ना, ऊपर नीचे हो जाए। तो अगर आप लोग को इसका एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जानना है, तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एजेंसी का डिटेल मिल जाएगा, वहां चाहेंगे तो डायरेक्ट एजेंसी कॉल करके इस बाइक का एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जान सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसमें आप देख सकते हैं, फ्रंट में आपको जो वाइजर मिलता है ना, फ्रंट बॉडी मिलता है आपको ग्लॉस फिनिश में मिलती है रेसिंग ब्लू कलर में, लेकिन आप साइड बॉडी देखेंगे कि आपको मैट ब्लू मिलती है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। और यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं LED DRL मिल जाता है काफी अच्छे डिजाइन में। और यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, तो इसमें आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिलती है। तो दोस्तों, इसकी जो हेडलैम्प है ना, काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो इसकी जो रोशनी मिलने वाली है, इसको लेकर आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर में आपको रेसिंग ग्राफिक्स मिलती है, जो कि इसके लुक को और ज्यादा एनहेंस करती है। और यहाँ पे देखिए फ्रंट फेंडर पे आप देख सकते हैं यमहा की बैचिंग देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा, वॉक मिलता है टेलीस्कोपी अपसाइड डाउन फोर्क सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि आपको गोल्डन कलर मिलती है। तो इसका जो सस्पेंशन क्वालिटी ना, काफी अच्छी देखने मिलती है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको ABS की बैचिंग मिल जाती है। और इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा, वॉक मिलता है, डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिलती है, डिस्क ब्रेक के बीच में आप देखिए ABS का चैन लगाया गया है। तो दोस्तों, गौर करिए, इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलती है, तो इसमें जो ब्रेकिंग क्वालिटी मिलती है ना, काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट टायर के बारे में, तो इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा, वॉक मिलता है 100/80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलती है, जो कि आपको रेडियल का ट्यूबलेस टायर मिलती है। और यहाँ पे देखिए अगर आप इसका रेसिंग ब्लू कलर लेते हैं, तो उसमें को जो अलाइनमेंट मिलता है ना, वो भी आपको ब्लू कलर मिलती है, जो कि इसके लुक को और ज्यादा स्पोर्टी बनाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके साइड बॉडी के बारे में, साइड प्रोफाइल के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ये जो बाइक है ना, आपको डुअल टोन में मिलती है, ग्लॉस एंड मैट दोनों के साथ मिलती है। तो दोस्तों, आप लोग बताना कि इसका जो साइड बॉडी है ना, आप लोगों को कैसी लगती है देखने में। और यहाँ पे देखिए साइड बॉडी पर देखते हैं R15 वर्जन 4 लिखा मिल जाता है ब्लू और ग्लॉस फिनिश के साथ, जो कि स्काई ब्लू मिलती है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। साइड बॉडी जो मिलती है आपको मैट फिनिश मिलती है, इसका जो बाकी बॉडी मिलता है आपको ग्लॉस फिनिश के साथ देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके हैंडल बार के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक के ऊपर आप देख सकते हैं, अगर आप इसका रेसिंग ब्लू कलर लेते हैं, तो इसमें आपको सिल्वर कलर को यमहा की बैचिंग देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप लोग R15M लेते हैं मॉन्स्टर एनर्जी, तो उसमें आपको गोल्डन कलर को यमहा की बैचिंग देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसका जो लेफ्ट हैंडल बार है, इसमें आप देख सकते हैं वही सारे स्विचेस मिल जाते हैं, जिसमें आपको लो एंड बूस्ट स्विच मिल जाएगा, पासिंग स्विच मिल जाता है, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें आपको स्लीपर क्लच देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए राइट हैंडल बार पे आप देखते हैं इंजन ऑन ऑफ स्विच देखने मिल जाते हैं, बीच में आप देखते हैं हैजार्ड स्विच देखने मिल जाते हैं। उसके नीचे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो इसमें आपको ट्रिप और इन्फो स्विच देखने मिल जाती है, जिससे आप लोग अपने मीटर कंसोल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आप लोग को मीटर कंसोल को कंट्रोल करने के लिए आपको हैंडल बार छोड़ने की जरूरत नहीं, जैसे कि आपको R15 वर्जन 3 में देखने को मिलती थी, अब इसमें आपको वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो दोस्तों इसके मीटर कंसोल में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको पहले की तरह मीटर कंसोल देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको TCS लिखा मिल जाता है, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने को मिल जाती है, जो कि आपके बाइक को गिरने नहीं देती है। तो अगर आप लोग कॉर्नरिंग करना पसंद करते हैं, तो इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल होने की वजह से आपको जो कॉर्नरिंग में आपको काफी अच्छा हेल्प करने वाली है। और यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो इसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम मिल जाता है, जिसकी वजह से आप लोग अपने फोन को इसमें मीटर कंसोल से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, और यहाँ पे देखिए इसमें आपको ओडोमीटर, ट्रिप भी देखने मिल जाती है, एवरेज इंडिकेटर मिल जाता है, किलोमीटर देखने मिल जाती है, स्पीडोमीटर मिल जाती है, टेकोमीटर मिल जाती है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाती है, ABS इंडिकेटर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इसका जो मीटर कंसोल है ना, वही सेम देखने को मिलती है। इसका जो हैंडल पोर्शन मिलेगा आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो इसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा आपको ग्लॉस ब्लू कलर मिलती है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। तो फ्यूल टैंक में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से इंजन के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप बात करें इसके इंजन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो इंजन मिलता है ना, वही सेम आपको पहले की तरह 155 cc का लिक्विड कूल 4-स्टॉक BS6 इंजन देखने को मिल जाती है। इसका जो मैक्स पावर मिलेगा, वॉक मिलता है 18.1 BHP का 10,000 RPM पे। इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा, वॉक मिलता है 14.2 Nm का 7,500 RPM पे। इसमें आपको 58 mm का बोर
मिल जाता है, 58.7 एमएम के स्टॉक देखने को मिल जाती है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलती है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसमें जो कूलिंग सिस्टम मिलता है ना, आपको काफी बेहतरीन और काफी एडवांस देखने को मिलते हैं जो कि आपके इंजन को काफी अच्छे से ठंडा रखेगा। और इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम देखने को मिल रही है जो कि 2022 के लगभग सभी बाइकों में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्विक शिफ्टर भी देखने को मिल जाती है जो कि इसके रेसिंग ब्लू कलर में देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो इसका जो सीट मिलता है ना, वही आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है जो कि आपको पहले बड़े डिजाइन मिलते हैं, लेकिन पहले से इसका जो सीट कंफर्ट है और ज्यादा बेहतरीन हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए वीवीए टेक्नोलॉजी की बैचिंग देखने मिल जाती है, इसमें आपको इंटीग्रेटेड पिलियन गियर भी मिलती है जो कि इसके लुक को और ज्यादा स्पोर्टी बनाता है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में, इसके रियर सेक्शन है, तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें इसका जो रियर टेल लाइट मिलेगी वही आपको एलईडी टेल लाइट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसके रियर प्रोफाइल में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिल जाता है जो कि आपको राइडिंग कंफर्ट को और ज्यादा बेहतरीन बनाती है। और इसका जो रियर टायर मिलेगा वॉक मिलता है 140 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलती है जो कि रेडियल का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वो भी आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिलता है विद एबीएस सिस्टम के साथ, क्योंकि इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसमें आपको ब्रेकिंग क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो एग्जॉस्ट मिलता है ना, काफी स्पोर्टी डिजाइन मिलती है इसके एग्जॉस्ट का साउंड है। तो चलिए हम आपको इसके एग्जॉस्ट का साउंड सुना देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इसके एग्जॉस्ट का साउंड सुन लिया, तो आप लोग को इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए इस साइड बॉडी इसका जो लुक निकल के आता है यहाँ पे वो कैसे लगते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे R15 वर्जन 4K रेसिंग ब्लू कलर की वीडियो जो कि मैंने आपको दिखा दिया, और साथ ही साथ इसका जो ओवरऑल लुक है ना वो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। तो दोस्तों आप लोग को इसका रेसिंग ब्लू कलर का जो लुक है ना आप लोगों को कैसे लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, ये बाइक अच्छी लगी, तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग को कोई डाउट है, कोई सवाल करना है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप लोग कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे नीचे हमारे इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।